दीपक प्रजापति, इन्होंने सवाल पूछा है कि हम आपके संगठन के सदस्य कैसे बन सकते हैं। मेरे संगठन का कोई भी सदस्य बन सकता है, उसके लिए कोई खास शर्तें नहीं है। वैसे भी हमने लोगों को पैसे की दिक्कत ना महसूस हो इसलिए वार्षिक सदस्यता शुल्क जो रखना पड़ता है, क्योंकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नियम होते हैं, उसके अनुसार आपको सदस्यता शुल्क रखना होता है, तो हमने 10 रुपये मिनिमम सदस्यता शुल्क रखा। ये 10 रुपये सदस्यता शुल्क के साथ में आप डोनेशन कितना भी दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो तो मत दे सकते हो, उसका सदस्यता से कोई संबंध नहीं है। तो कई लोग बोलते हैं 10 रुपये क्या सदस्यता शुल्क है आपका, तो उसके साथ में डोनेशन भी डाल देते हैं। डोनेशन की आपको अलग पावती दी जाती है, रसीद दी जाती है। तो कोई भी 10 रुपये का सदस्यता शुल्क भरकर मेरे संगठन का सदस्य बनता है। सदस्य बनने के बाद में क्या अधिकार प्राप्त होते हैं? वैसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, हजारों कार्यकर्ता होते हैं, आप मानसिक दृष्टि से इस संगठन के साथ में जुड़ जाते हो। मेरे संगठन में कोई नियम की हायरार्की हम अमल में नहीं लाते। जो अच्छा काम करता है, ताकत से काम करता है, काम में अपने आप को प्रूव करता है, उसको हम संगठन में महत्व देते हैं। हमारे यहां संगठन में पदों को भी कोई महत्व नहीं है। पद होते हैं अलग अलग अलग, लेकिन वो पदों को हम महत्व देते नहीं बैठते, काम को हम महत्व देते हैं। जो अच्छा काम करेगा, बेहतर काम करेगा, जिसके काम का इम्पैक्ट लोगों पर ज्यादा अच्छा आता है, उसको संगठन में बहुत महत्व मिलता है। जो बहुत पुराना है, एक पद पर है उसको उस पद पर रहने देते हम, लेकिन उसको कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। इसलिए मेरे संगठन में कोई पदों को महत्व नहीं है। आप सदस्यता मानसिक दृष्टि से इस संगठन से जुड़ जाते हैं, इसलिए हम उसको महत्व देते हैं, वहीं तक वो महत्व सीमित रखते हैं। आपको महसूस होता है कि इस संगठन का मैं सदस्य हूँ, हमारे पास भी लिस्ट होती है कि आप इस संगठन के सदस्य हो, तो कोई भी हमारे संगठन का सदस्य बन सकता है, और जो रेगुलर एक्टिविटीज चलते रहती है उसमें शरीक हो सकता है, उसके लिए भी कोई नियम नहीं है। हाँ, शिविर रहा तो शिविर के खर्चे उठाने के लिए उसकी कुछ फीस होती है, वो खर्चे उठाने तक ही सीमित होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। हमारे यहाँ काम करने वाले मैक्सिमम लोग, सभी के सभी लोग, हालांकि हर कार्यकर्ता कोई मानधन इस काम का नहीं लेता है, लेकिन वो गांव से, दूर गांव से आया है तो जाने आने का खर्चा तो उसको कम से कम मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह, इतना हम देखने की कोशिश करते हैं। इसमें यानी इस काम के जरिए कोई पैसे कमाएं, इसकी व्यवस्था के लिए तो हमारे यहाँ कोई यानी अवसर नहीं है, लेकिन कम से कम उसके खुद के जेब कर का बोझ कम हो जाए, ये देखने का हम प्रयास करते हैं। तो उस मर्यादा में ही फीस होती है, उससे ज़्यादा बहुत फीस नहीं होती है। तो इसलिए इस ढंग से ये काम चलते रहता है। आप बिल्कुल आसानी से इसके सदस्य बन सकते हो। आप संपर्क कीजिए, बाकी हमारे लोग आपसे संपर्क करेंगे, यानी जैसे ही आप संपर्क करते हो, फ़ोन नंबर आपको दिया ही है, तो उसके बाद में आपके साथ में संपर्क की लेन देन होगी और बाकी चीज़ें तय कर पाएंगे। कल जाकर वेबसाइट पर भी हम ये फॉर्म उपलब्ध करा देना चाहते हैं, ताकि कोई भी डायरेक्टली भी सदस्य बन सके, लेकिन पर्सनल टच होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। फ़ोन के जरिए आप बात करते हो तो कम से कम मेरे कार्यकर्ता के साथ में आप जुड़ जाते हो, तो नेचुरली ये ज़्यादा अच्छा होगा।